राजस्थान से संवाददाता लक्ष्मण गोरड़ की रिपोर्ट। गिरवा पंचायत समिति के प्रधान बनने के बाद प्रथम बार उमरड़ा आने पर श्रीमती सज्जन कटारा का भव्य हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम ग्रामवासियों की ओर से आयोजित किया गया। इधर लाल जी बताइए, आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम पंचायत समिति गिरवा के प्रधान बनने पर सज्जन कटारा पहली बार उमरड़ा पंचायत बनने पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और साथ ही हमारे यहाँ का नमदा रोड का उद्घाटन किया गया और हमारे सरपंच कार्यकाल को एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मदन जी आप बताइए, आज ग्राम पंचायत उमरड़ा में पंचायत समिति गिरवा की नव निर्वाचित सरपंच साहिबा श्रीमती सज्जन जी कटारा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे युवा नेता विवेक जी कटारा, जिला परिषद सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी गहरीलाल जी डांगी, पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी प्रभुलाल जी सहित सैकड़ों की संख्या में समस्त जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत में भाग लिया एवं हमारी कन्ना माता रोड का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर साथी जनों ने सभी ने प्रधान साहिबा का आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। प्रधान साहिबा श्रीमती सज्जन जी कटारा ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का समाधान निराकरण किया जाएगा एवं पास ही RSMMM जामरकोटड़ा माइन से भी वेलफेयर में कुछ सहयोग लिया जाएगा जिससे जामेश्वर जी से लेकर कानपुर तक की रोड एवं उमड़ा तक रोड लाइटों की व्यवस्था हो सके, इस तरह से प्रस्ताव लेकर विचार मंथन किया जाएगा। बड़े हर्ष के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज एक वर्ष पूरा हो चुका है, सभी सरपंच गणों को बहुत बहुत बधाई एवं क्षेत्रवासियों को बधाई, धन्यवाद। यशवंत जी आप बताइए, आज ग्राम पंचायत उमड़ा में जो एक वर्ष का सरपंच का कार्यकाल पूर्ण हुआ सफलता, उसमें सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद दिया गया और नवनिर्वाचित हमारी गिरवा की प्रधान साहिबा श्रीमती सज्जन कटारा मैडम का प्रथम बार उमड़ा पधारने पर स्वागत किया और सभी गाँववासियों का धन्यवाद दिया और गांव की समस्याओं को अवगत कराया और मैडम ने आश्वासन दिलाया कि अब अपनी सरकार में जो पद हुआ उससे अपन उमड़ा का विकास पूर्ण रूप से करा सकेंगे। टांग साहब आप बताइए, आप स्थानीय निवासी हैं। आज हमारे गांव में हमारी परम आदरणीय नव निर्वाचित जो प्रधान साहिबा सज्जन जी कटारा मैडम पधारे, बड़ा लंबा स्वागत अभिनंदन की दो, साथ ही उसने हमें आश्वासन दिया मैडम कटारा ने कि गांव के अंदर कोई भी समस्या है, फैक्ट्री वालों से कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जो भूमाफिया जो पनप रहे हैं इनकी कोई समस्या है और जो रोड लाइट्स की जो समस्या है, जो विकास की जो कार्य उनको पूरा करने का पूरा पूरा आश्वासन दिया है और हम मैडम का धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भी बधाई देते हैं, भाई हीरालाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और इन्होंने आश्वस्त किया कि नए ऊर्जा के साथ में नया कार्य करेंगे, बहुत बहुत बधाई इन सभी को और मैडम जो बधा रहे हैं उन्होंने जो आश्वासन दिया है निसंदेह वो पूरा कार्य करेगी, हम आश्वासित हैं इसके बाद। जनसेवक गहरीलाल जी बताइए, आज उमड़ा में अपना एक साल पंचायत का पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में जो निर्वाचित हमारे प्रधान साहिबा है सज्जन कटारा साहब मैडम का समापन सम्मान रखा उनका और अच्छी रोडों का और मॉडल पंचायत बना रहे हैं चारों पांचों पंचायतें जो भी जामड़ कोटरा लकड़वास कलड़वास उमड़ा कानपुर को, और इसके लिए हम नेक्स्ट बहुत जल्दी विवेक भैया से बात हो गई है और जामड़ कोटरा में MD साहब से मिला जाएगा, उनको इस मांग को रखी जाएगी और लोगों को जो समस्या है इन गांवों में पानी पीने की समस्या बहुत और सड़क की समस्या वो पहले मूलतः सुविधाओं में रखी जाएगी और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, यही आज सब लोग यहां पधारे हैं सबको धन्यवाद और आगे हम संघर्ष के लिए तैयार है और अपने क्षेत्र के विकास के प्रति अब कटिबंध है, जो हमने संकल्प लिया है कि एक साल में इन पंचायतों में नए काम करके जो आयाम देंगे उसके प्रति हम कटिबंध है और इसके लिए आज हम उमड़ा में एकत्रित हुए और यही काम हम पर आगे करना जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में 10-12 दिनों में हम जामड़ कोटा में जाकर MD साहब से मिलकर इन गांवों को गोद लिया जाए, पेड़ पौधे लगवाए जाए, जो भी रोजगार दिए जाए, स्थानीय युवाओं को बहुत बेरोजगार युवा है, यहाँ का बेरोजगार युवा है और जामड़ कोटा पर धंधे पर बैठना पड़ा तो बैठेंगे, इनको युवाओं को 500 लोगों को रोजगार दिलाना है, यही हमारा संकल्प रहेगा, धन्यवाद। जय भारत, राम राम साहब। सरपंच साहब एक वर्ष पूरा होने को आया है, क्या स्वागत देना चाह रहे हैं आप ग्राम पंचायत आपके उमड़ा को? हमारे यहाँ पे एक 5-8 लाख लीटर की टंकी बन रही है, घर घर सबके नल कनेक्शन जाएंगे और गांव वालों को बहुत सुविधा मिलेगी, पानी के लिए कोई तरसना नहीं पड़ेगा। क्षेत्रवासियों को कहना है कि यहाँ चोरी बहुत होती है, CCTV कैमरे और रोड लाइटें भी लगाई जाए, इसके लिए हमने प्रस्ताव ले रखा है बारी माता से लगा के
खिस्सा फैक्ट्री तक हम रोड लाइटें लगा रहे हैं और जगह जगह गली मोहल्लों में कैमरे की व्यवस्था भी कर दी है हमने। बहुत जल्दी ये काम पूर्ण कर लिया जाएगा इसी साल में। धन्यवाद। भारत माता की जय। सरपंच साहब, जामनकोटा के बताइए आप। जामनकोटा के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्या, जो हमारे जामनकोटा में जो टेलिंग डैम बना हुआ है उससे सारा पानी एसिड युक्त हो रहा है और माइंस वहाँ जामनकोटा पंचायत की स्कूल के प्रति, पेयजल के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए इसके लिए हमने आगामी 10 दिन पहले विवेक भैया हम एमडी साहब से मिल के आए, उन्होंने यस किया, लेकिन अभी 2-3 दिन और 10-15 दिन और देखते हैं क्या होता नहीं होता। उसके बाद हमारी पूरी गिरवा की कार्यकारिणी जाके महिष में दावा खोलेंगे और जीजीएम को, इनको सबको, हमारे गांव को।